नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका प्रखंड के बाहाहारा पंचायत के तेनुआ दामार गांव में किसानों का लगा धान जंगली हाथी द्वारा रौंद कर बर्बाद कर दिया गया। इस संबंध में आपको बताते चलें कि रंका प्रखंड के बाहाहारा पंचायत के तेनुआ दामार गांव के किसान प्रताप सिंह, शिव सिंह एवं बिलाशी देवी की लगभग 3 से 4 एकड़ में लगा धान का फसल पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया गया और कुछ धान खा गए। इस संबंध में शिव सिंह एवं प्रताप सिंह ने बताया कि इस अकाल में किसी प्रकार से धान का खेती किए थे, जो काफी महंगे धान का बीज लाकर लगाया था। जब धान पकने की कगार पर हुआ तो जंगली हाथी आकर फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बर्बाद कर दिया, जिससे हम किसानों को काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में शिव सिंह और प्रताप सिंह ने बताया कि 3 वर्षों से हाथी के द्वारा फसल को रौंद कर एवं खाकर बर्बाद कर दे रही हैं, जिससे हम गांव के ग्रामीण काफी परेशान हैं। इधर ग्रामीण बर्बाद फसल की मुआवजे की वन विभाग से मांग कर रही हैं। हमको भी किसानी काम करते हैं, खा गया, 3 साल हो गया हाथी भी। अभी तक विभाग कोई मुआवजा वगैरह दिया है? 1 साल के दिया है। वन विभाग दिया था? हाँ। कितना पैसा दिया था? 6,000। 6,000 तो ये खेती में कितना आपका पूंजी लगता है? पूंजी तो लगता है हमको सब कुल टोटल 8-10 हज़ार। और मुआवजा वन विभाग 6,000 देती है? हाँ। तो नहीं पूछे कि हमारा तो 8,000 लगबे किया, 10,000, तो 6,000 कहे दे रहे हैं? उतना तो नहीं बोले हैं सर। नहीं बोले हैं तो इसीलिए 6,000 ही वन विभाग दिया था। पिछले साल का मुआवजा नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो आप लोग अप्लाई किए थे? हाँ किए थे, तब बोला जे अथी कागज पिछड़ गया, पीछे हो गया, नहीं लेगा कागज, नहीं लगेगा। कागज आप लगाए थे कि नहीं? लगाए थे तो नहीं लिया। नहीं लिया, कहा 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 जे पिछड़ गया, नहीं लेंगे कागज। क्या नाम है आपका? बेलासी देवी। और घर कहाँ है? बहरा। क्या मामला है? यहाँ हाथी आया, लमसम हाथियों की संख्या 5 है, और उसमें कि हमारे यहाँ जो धान फसल लगाए हैं वो धान करीबन रात में 2 बजे रात्रि को आया, और हमारे यहाँ लमसम देख रहे हैं कि 3 से 4.5 एकड़ ज़मीन के जो धान लगाए हैं वो खा चुका है। और मैं सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हम लोगों को मुआवजा दी जाए, जिसमें कि लागत खर्चा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार से ऊपर जाता है हम लोगों की खर्चा। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हम लोगों की मुआवजा दी जाए, ताकि हम लोगों की बाल बच्चा भरण पोषण सही से हो सके। ये कौन सा गांव है? ये ग्राम बाहारा, थाना रंका, जिला गढ़वा, राज्य झारखंड। तो अपना परिचय? मेरा नाम शिव सिंह, पिता स्वर्गीय रामेश्वर सिंह। लगभग कितना का नुकसान हुआ है? लगभग देख रहे हैं कि 50,000 करीबन पहुंच जाएगा लमसम। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चीनिया रोड, नाहर चौक, कड़वा। यहां दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।